हेलो फ्रेंड्स, आज का रेसिपी है चिल्ली चिकन, जो बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत इजी होता है इसको बनाना। यहाँ पे मैं लिया है हाफ के जी चिकन, जिसको मैं अच्छे से वॉश किया है। और फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है ना, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लगता है, अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिए। तो यहाँ पर मैं कुछ इंग्रीडियंट ऐड करूँगी इसको मैरिनेट करने के लिए। ये मैं लिया है एग, इसका येलो पार्ट ही लेना है, आप वो टोटल एग भी यूज़ कर सकते हो। अनियन का पेस्ट, अनियन को कूट के लिया है यहाँ पे, जिंजर गार्लिक का पेस्ट, रेड चिल्ली पाउडर, कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर, दोनों को यहाँ पे ऐड किया है। यहाँ पे मेरे पास है ब्लैक पेपर और कुछ कॉर्न, तो ये है कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर आप यहाँ पे अपने हिसाब से लोगे, मैं यहाँ पे 2 चम्मच लिया है। और ऊपर से मस्टर्ड ऑयल ऐड करोगे, तो इसको अच्छे से मिक्स करना है और कुछ टाइम के लिए मैरिनेट के लिए छोड़ देना है। कुछ टाइम मीन्स 1 घंटे के ऊपर, 1 घंटा ही छोड़ना है, उससे ज़्यादा होएगा तो भी और अच्छा है, चिकन सॉफ्ट होता है। ठीक है, तो ये है मेरा भेजिस जो मैं ऐड करने वाली हूँ। कैप्सिकम, ऑनियन इसको क्यूब के हिसाब से ऐसे कट किया है, और गार्लिक को कट किया है, चॉपिंग किया है, जिंजर को भी चॉप किया है, और मिर्ची मीन्स चिल्ली को स्लाइस कट किया है। तो यहाँ पे मेरा मैरिनेशन हो गया है, इसको फ्राई करना है, डीप ऑयल में फ्राई करना है, और ऑयल ना ज़्यादा हॉट होना चाहिए। उसके बाद जब आप चिकन डाल दोगे, उसको सिम कर दीजिए मीडियम सिम, तो यहाँ पे आपका क्रिस्पी होके निकलेगा। और इसको थोड़े अच्छे से फ्राई करना होता है, इसका कलर जब तक चेंज ना हो। तो ये मेरा अच्छे से हो भी गया है, ये आप देख सकते हो इसका कलर भी चेंज हो गया है, और ये बबल जो आता है ना, ये भी कम हो जाता है। तो ये मेरा चिकन हो गया, इसको मैं अच्छे से फ्राई कर लिया है, और बाकी का जो है ना उसको भी फ्राई कर लेंगे। सारा चिकन यहाँ पे मेरा फ्राई हो चुका है, इसको साइड करेंगे, गैस में चढ़ाएंगे कढ़ाई, कढ़ाई को भी हीट करने के लिए रख देंगे। ये अच्छे से हीट होना चाहिए, ज़्यादा जितना हीट होएगा ना उतना अच्छे से बनेगा। और जब तक कढ़ाई हमारा हीट हो रहा है, यहाँ पे हम बनाएंगे सॉस। सॉस के लिए केचप लिया है 4 टेबल स्पून, 3 टेबल स्पून लिया है सोया सॉस, और 2 टेबल स्पून लिया है चिली सॉस। तो ये सबको अच्छे से मिक्स करेंगे, इसको भी साइड करके रखेंगे। कढ़ाई हमारा गर्म हो चुका है, कढ़ाई में डालेंगे ऑयल, जिसमें मैं फ्राई किया था ना चिकन, वो थे ऑयल को ही यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। और कढ़ाई के चारों ओर अच्छे से फैला लेंगे, जैसे कुछ भी चिपके ना। और फर्स्ट हम यहाँ पे डालेंगे गार्लिक, गार्लिक को अच्छे से भून लेंगे, थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए, ज़्यादा नहीं, नहीं तो जला हुआ स्मेल आएगा। जिंजर ऐड करेंगे, मिर्ची ऐड कर देंगे, और अनियन को भी ऐड करेंगे। ये सबको अच्छे से फ्राई करने के बाद हम शिमला मिर्च ऐड करेंगे, और थोड़े टाइम के लिए इसको भूनेंगे, मीन्स इसका जस्ट कच्चापन जाएगा, सॉफ्ट नहीं होएगा। ठीक है, इसका जैसे क्रंचीनेस ना वो बरकरार होना चाहिए। इसके बाद हम यहाँ पे सॉस ऐड करेंगे, और यहाँ पे ब्लैक पेपर में ऐड किया है। ठीक है, ब्लैक पेपर का ना जो स्मेल होता है ना, वो खुशबू ही अच्छा लगता है। बचा हुआ जो सॉस था उसमें मैं कॉर्नफ्लोर 1 चम्मच लिया है, उसमें पानी ऐड करके मैं यहाँ पे ऐड करूँगी, थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म करने के लिए, क्योंकि चिकन जूसी रहेगा। चिकन जब हम यहाँ पे ऐड करेंगे ना, वो जूसी जूसी रहेगा। बस इतना सा लिक्विड अच्छा है, इसको अच्छे से उबाल लाएंगे, उसके बाद हम यहाँ पर चिकन ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे, थोड़े टाइम के लिए इसको मिक्स करना है सिम में। और बस यहाँ पे मैं सेसमन सीड ऐड किया है, जो है वाइट तिल। और हमारा चिली चिकन हो गया है रेडी, इसको आप एंजॉय कर सकते हो चपाती के साथ, नहीं तो ऐसे ही खा सकते हो, और बहुत ही टेस्टी होता है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, और कैसा लगा मेरे वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक बाय, टेक केयर। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और इसको एंजॉय कीजिए।